for the disruption. So we were discussing about the major problems in the environment, and हमने उसमें अभी तक एक बात ही discuss की थी, which was shown to you into the previous slide, that everything is connected with the global warming, and it's the fact that this is undisputed fact actually कि हर चीज ही आपकी natural disaster से लेके climate change से लेके heat stress से लेके आपकी जो extreme cold temperatures हैं, everything is going to be connected with the pollution and with the global warming, the climate change, everything is connected together. So let's come up to the next slide. What we are going to discuss today, these are the 15 major problems which are responsible of the current situation of the environment nowadays we are facing. So let's read upon what they are. These are pollution, global warming, overpopulation, natural resource depletion, water disposal, climate change, loss of biodiversity, deforestation, ocean acidification, acid rain, water pollution, urban sprawl, public health issues, and genetic engineering. So thing is that कि हम इन तमाम ही problems को थोड़ा सा detail में देखेंगे one by one. As long as you are aware about the situation, the current situation of this environment, that is based on the everything which we have discussed over here. These are the main 15 problems. But on the first of all, we will discuss pollution. Pollution of किसी भी तरह की हो, ठीक है ना. पॉल्यूशन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक पिक्चर मैंने डिस्प्ले की है, इन विच देयर इज द सो मच, the multiple fumes are coming from the different chimneys of the industries or somewhere out, and this is making your air is much polluted, the heavily polluted air was out there. There is a in the picture which is in which you can see most of the garbage and the things are littered, which is present on the land, that is again the contribution in the land pollution. So what happens actually, हम सालों से यही चीजें देखते आ रहे हैं कि तमाम चीजें जो है वो मसले हमारे लिए क्रिएट कर रहे हैं. बट व्हाट इज द प्रॉब्लम मेनली, द मेन प्रॉब्लम इज दैट कि आपको जो भी चीज का सामना करना पड़ रहा है वो आपकी मैन मेड है. मैन मेड का मतलब ये होता है कि अगर हमने इंडस्ट्रीज बनाई हैं, मोटर व्हीकल्स बनाए हैं, दे आर एग्जॉस्टिंग सो मच पोल्यूशन इन द एयर. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर रनिंग सो मच व्हीकल्स ऑन द रोड्स, यू सी दैट द एयर इज पोल्यूटेड इन दैट एरिया. एंड नाउअडेज जैसे हमने कल भी बात की थी कि अगर हमारी जो एयर है वो नाउअडेज हमारा AQI जो है लाहौर का, अगर हम बात करें तो वो काफी डाउन हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन, राइट. सो द थिंग इज दैट कि यही चीजें हमें अपने आप को मॉड्यूलेट करने के लिए भी अब सोचना पड़ेगा कि क्या हम किस लेवल का काम करेंगे, हम कितनी जो है वो हमारे पास डेवलप करने की ताकत है, क्या नेचर उस चीज को जो है वो एब्जॉर्ब कर पा रही है या नहीं. और ऑब्वियसली व्हेन एवर द सर्कमस्टेंसेस, जब इक्विलिब्रियम या बैलेंस जो है किसी भी चीज का डिस्टर्ब होता है, तो दैट रियली कम्स डाउन, और ऐसा होता है कि फिर वो चीजें डिजास्ट्रस या हैजर्डस वे में चेंज हो जाती हैं. तो अब आपके लिए एक नेमत था कि हम गाड़ी चलाते हैं और उसमें से फ्यूम्स निकलते हैं, तो कोई बात नहीं, हम इधर से उधर जाए जा रहे हैं, लेकिन दिस इज बीन डन फॉर सो मेनी इयर्स विदाउट टेकिंग प्रॉपर मेजर्स. सो इट इज बीन नाउ अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन जिसके अंदर आप जो है आपको लॉकडाउन या फिर इस जैसी चीजों का जो है सहारा भी लेना पड़ रहा है टू स्टॉप अप दिस वायरस इनफैक्ट. लेकिन उसका जो साइड बाय इफेक्ट आ रहा है वो ये भी है कि आपकी जो एयर है वो थोड़ी जो है वो इस वक्त प्योरीफाई हो रही है, राइट. सो कीप ऑन मैसेजिंग इफ यू लाइक टू कमेंट ऑन एनीथिंग दैट आई एम रीडिंग योर मैसेजेस एज वेल मीनवाइल. सो अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने तमाम तरह पॉल्यूशन को देख लिया. द मेन थिंग इज दैट ये जो ऑयल स्पिल है जो सीज के अंदर हो रहा है, जो आपकी वाटर बॉडीज को खराब कर रहा है, दैट इज द वेरी वेरी डिजास्ट्रस थिंग, जिसकी वजह से मरीन लाइफ इज ऑल्सो इन डेंजर. सो आपने देख लिया कि हम किसी भी तरह के पॉल्यूशन हो, एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो,
ठीक है ना, अब उसको रिकूप करने के लिए आपको बिलियंस ऑफ ईयर दरकार हैं कि आपने जितना कुछ इसमें डर्ट डेवलप हो चुका है आपकी वर्ल्ड के अंदर, इट इज द यू कैन सी के आप बहुत ज्यादा इस चीज को इमेजिन करें कि जो कंट्रीज इन्वायरमेंटल लॉज के ऊपर काम करते हैं और उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, फिलहाल थोड़ा बहुत सर्वाइवल जो है वो वहाँ पे नजर आता है. अदरवाइज अदर कंट्रीज हु आर नॉट रियली वर्किंग ऑन योर एनवायरनमेंट, दिस इज वेरी डिजास्टरस फॉर देम. सो नाउ वी आर कमिंग अप टू दी आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग को आप लोग ने सभी ने सुना होगा. ये हमें एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर आपको ये बताया जा रहा होता है कि आप यू कैन सी इन द फर्स्ट पिक्चर दैट योर अर्थ इज सराउंडेड बाय सम लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन के लिए जो लेयर बनाई हुई है, जो स्ट्रेटोस्फेयर या एटमॉस्फेयर की बहुत सारी मेसोस्फेयर, ये सब लेयरिंग होती है अर्थ के सराउंड जो कि आपको सन की यूवी रेडिएशन से महफूज रखती है. बट इफ वी आर मेकिंग पोल्यूशन एंड इस पोल्यूशन की जो एक्सेसिवनेस है उसने जो है ओजोन लेयर को डिप्लीट करना शुरू कर दिया, उसमें पोर्स डेवलप करना शुरू कर दिया. What's going on in the global warming ke phenomena mein dekhiye ki if the light is coming and it has to be reflected back, but there is entrapment of the in these UV rays within this layer. So yahan pe ye problem aa jati hai ki jab bhi greenhouse gases ka naam aaya, greenhouse effect ka naam aaya, to usme yahi ho raha hota hai ki jab ye आपके पास ये सराउंड कर गई है आपकी अर्थ विद मीथेन विद कार्बन मोनोऑक्साइड विद और अदर ग्रीन हाउस गैसेस, तो यहाँ पे जितनी भी रेडिएशंस आएंगी दे विल नॉट बैक एंड दे विल नॉट बाउंस बैक टू द यूनिवर्स एंड दे विल गॉट इंटरैक्ट ओवर दिस सर्कल जो हमारी अर्थ को सराउंड करता है, और इसी से टेम्परेचर ऑफ द अर्थ जो है वो बढ़ता चला जा रहा है. Or even a single degree of the rise in the temperature of the earth is making disastrous changes in the world. तो आप देख ही रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट. और यहाँ पे जो मैंने क्लास में एक पिक्चर शो की है आप उसमें देख सकते हैं कि मेल्टिंग ऑफ द आर्कटिक एरियाज, ठीक है ना, ग्लेशियर्स की मेल्टिंग वो भी इसी वजह से हो रही है कि टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज गोइंग टू बी राइज, और बढ़ रहा है टेम्परेचर साथ साथ. Yes, please keep on messaging that you are hearing and you are there. Yes, please. So, just see the little bit details of the global warming. जैसे हमने अभी डिस्कस कर लिया है, इसमें वही सब बातें लिखी हुई हैं जो कि हमने अभी डिस्कस कर ली है कि ग्लोबल वार्मिंग ऑब्वियसली इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से हो रहा है. और ग्रीन हाउस गैसेस क्यों आ रही है, जस्ट बिकॉज दे आर द रिजल्ट ऑफ द ह्यूमन प्रैक्टिसेस, ठीक है ना. तो यही बात है कि जो भी हम लोग कर रहे हैं, जो भी चीजों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी हम जितनी भी तरक्की कर रहे हैं और जितनी भी नई चीजें दरियाफ्त हो रही हैं, तो उनके साइड वेज उनके साइड इफेक्ट्स देखे बगैर उनको जो है वो एम्प्लॉय जिस तरीके से, और जो अबंडेंस में हो रहा है ये भी इसी वजह से हो रहा है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है ना. तो अब आप देख सकते हैं कि मेल्टिंग ऑफ द पोलर आइस, राइज इन सी लेवल्स, ठीक है ना, इसके अलावा फ्लैश फ्लड्स एंड एक्सेसिव स्नो, डेजर्टिफिकेशन, ये सब जो है ग्लोबल वार्मिंग के नतीजे में डेवलप होने वाला जो है वो इशू है, राइट. So let's talk about something which is the next topic, that is the overpopulation. And I really like the picture which I have displayed in the middle of these two pictures. ये बहुत ही खूबसूरत art है जो कि मुझे बहुत पसंद आया. If you see my cursor over there, और ये छोटे छोटे से जो person बने हुए यहाँ पे, and they are going to fall from the land. This is the imaginary picture, but in case the world is in this condition nowadays, so see the overpopulation can result in, if you are going to the beach and you can see this much people around there, so just imagine that's what's going on in this world. So let's see, कि overpopulation की वजह से
it is being unsustainable level. ठीक है ना, face a shortage of resources like water, fuel and food, which is very much important. कि हमारे पास पानी की कमी हो रही है, हमारे पास fuel की कमी हो रही है, हमारे पास food की कमी हो रही है. और अभी कोई कहेगा कि नहीं जी fuel की prices तो नीचे आ रहे हैं और fuel तो अभी बहुत है, लेकिन because this is the special circumstances happened from some few couple of months, because there is lockdown over the world, but it is the actual picture what's going on. ठीक है ना, as soon as the people are opening the shops, as the lockdown is going to be soften up, dekhenge ki aapke paas dobara se cheezein jo hai wo khatam hona shuru ho jayegi. The population explosion is less developed and developing countries is training the already scarce sources. तो आपको यही है कि प्रॉब्लम वही है कि आप जिस तरीके से ओवर पॉपुलेशन हो रही है, आप यू आर ट्राइंग टू प्रोड्यूस मोर फूड, और जिसकी वजह से फूड डैमेजेस भी आपको एनवायरनमेंट में देखने पर. सो दिस इज वेरी क्रूशियल फॉर द करंट प्रॉब्लम एंड द करंट एनवायरनमेंट, राइट. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट कि ओवर पॉपुलेशन को हाउ विल यू ट्रीट. So you have to work on the strategies जिसके अंदर आपकी population जो है उसको कम किया जा सके. उसके लिए सबसे important tool जो आपके हाथ में मौजूद है, that is public health awareness. Public health awareness is what? That if the people are much educated, they must are much aware about their life sites. So so only then they can see, they can think about that what they are doing, what they are planning for. But if the sources are scarce, उनके पास कोई sources ही नहीं हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, and they are just increasing the numbers, so they should seek the medical advice for the contraception. And this is important and very very much important topic nowadays. And it's the basic responsibility of the government to take care of this issue, because if you control your population, you can control your food production, you can sustain your country, you can sustain your resources to make possible for the every person around in your country, in the world as fact. तो यही बात है कि if we are talking about, हम हर चीज का solution जानते हैं, but the implementation, the thinking, the exaggeration and the education, this is the most important factor on which we need to work so much. So these are the some examples of natural resources: animal resources, crude oil, forest resources. What they are natural resources, so your water resources, land resources, wind power, solar energy, natural gas, जो प्रेशियस मेटल्स एंड मिनरल रॉक्स, ये तमाम चीजें वो हैं जो कुदरत ने आपको दी हैं. और अगर हम ये देखें तो पाकिस्तान इज रियली मच ब्लेस्ड दैट वी हैव ऑल दीस टाइप ऑफ बेसिक नेचुरल रिसोर्सेज. वी आर रिच एंड वी वर रिच इन ऑल दीस नेचुरल रिसोर्सेज, बट इफ वी हैव डन वेल विद दीस रिसोर्सेज, वी कैन डिड द वंडर्स. लेकिन हमारे मुल्क में प्रॉब्लम यही रहा है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस ने काफी कुछ खराब किया है. So let's see what is happening with the world. Can anyone define what is happening in this picture? I would really like to have your comments in the chat box. So things should be interactive. तो तभी थोड़ा मजा आता है. ऐसे तो मुझे आप लोग लगेगा कि you are not keeping interest and you are not there. You listen. What's going on in this picture? This is really an interesting one. Is there only Ali Ajaz who is listening to the lecture? There are the other people. Good. We are draining
we are draining almost everything, whatever we can drain out from this world, and what we are giving back to our nature, what we are giving back to our world. हमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत है यहाँ पे. एवरीवन शुड वर्क ऑन योर ओन एट योर ओन. हम अपनी अपनी तरफ से जो छोटी छोटी कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, दैट कैन मेक वंडर्स. बिलीव मी, दैट कैन मेक वंडर्स. सो दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन एजुकेशन, अवेयरनेस एंड एवरीथिंग व्हाट यू कैन डू दैट. सो यू आर रियली मच इन योर फ्यूचर जनरेशन विल बी इन द सेफर हैंड्स. अदरवाइज things are being difficult for the world to get into them. Now, we are talking about the natural resource depletion. Natural resource ka khatam ho jana, kyunki natural resource koi ek ya do din mein banne wali cheez nahi hai. It has been done, ek sadiyon se cheezein chali aa rahi hain. Unka ek ecosystem develop hua hai, ecosystem balance hota hai, barish hoti hai, fasal nikalti hai, fasal katti hai, dobara barish hoti hai, uske baad aap beej bote hain. Agar wo galat waqt pe barish ho jaye to aapki fasle kharab ho sakti hai. For example, ek aur picture mein you can see there are the trees which have been cut down. Aap jitne zyada darakhton ko kaatenge for the use of that wood aap furniture banana chahte hain, aap paper mein paper industry ko somewhere else choti tree se aap bana rahe hain, agar aap is tarike se apni resources ko cut karte jayenge, you are not putting back into the like ek cycle ko aap disturb kar rahe hain, wo bhi is level pe aap disturb kar rahe hain कि वो उसको रिप्लेनिश होना उस चीज के साथ जो है वो बैलेंस नहीं है. सो दिस इज डिजास्ट्रस. नाउ सी द वेरी आर्टिस्टिक पिक्चर व्हिच हैज बीन यूज्ड इन द मिडल ऑफ दिस स्लाइड. जिसके अंदर वर्ल्ड है और उसको एक हैमर के साथ जो है वो हम लोग काटते जा रहे हैं. सो दिस इज अ वेरी गुड एंड ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ द नेचुरल रिसोर्स डिप्लीशन. और अब उसके साथ जो रिजल्ट में चीजें होने वाली हैं, वो क्या होने वाला है कि द नेचुरल इज अनदर क्रूशियल करंट एनवायरमेंट प्रॉब्लम. फॉसिल फ्यूल कंजप्शन रिजल्ट्स इन द इमिशन ऑफ गैसेस. व्हाट एवर द लेवल इज, हम जितना भी फॉसिल फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, Finally, the result out in the greenhouse gases. तो कभी बताया था कि methane, carbon monoxide and carbon dioxide. And there are so many. There are the bigger list of that. तो आप जरूर उसको follow करें, उसको एक read दें और देखें कि उसके अंदर से क्या चीजें हो रही हैं. That is mainly responsible for the global warming and global climate change. So the globally, if you're talking about, people are taking effort to shift the renewable sources like solar energy, wind, biogas and geothermal energy. There are something happening ki hum isko shift kare aur hum isko fossil fuel ka, kyunki uska ek adverse effect bahut main hai, theek hai na, which is the emission of greenhouse gases. And the cost of installing an infrastructure and maintaining these resources has been plummeted out in the recent years. Inke upar socha ja raha hai, inke upar kaam ho raha hai, but hame ye bhi dekhna zaruri hai ki if we stop our if we reduce, we cannot stop, but we can reduce our consumption of the these natural resources, right? So there is everything, har ek cheez ka koi na koi substitute available hota hai. Aisa nahi hota ki hum agar ek cheez nahi karenge ya ek cheez ko thoda sa reduce kar denge to there will be a big disaster. But sochne ki zarurat hai, thoda sa apne aap ko educate karne ki zarurat hai, thoda sa apni effort dalne ki zarurat hai. So this is the main important thing which we are talking about. So here is another thing which you need to see, that the water disposal. Water disposal is another a big problem, that if you see that somewhere else the pipe is there and draining some black water into the river, ye bhi ho raha hai, theek hai na. There are multiple industries who are giving and who are putting their waste water into the sea, into directly the bigger water bodies, right? So this is the main, again, important difficult thing which is going to be happening with the water bodies. And if you see that the marine life is in danger, wahan ke jo plants hain wo they are in the danger. Ab yahi cheeze hain ki we are disturbing the ecosystem. एंड अगर आप नेचर के साथ इतना प्ले करेंगे कि जितना वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, या अल्लाह ताला ने ताकत दी है उस नेचर को, उस समंदर को भी ताकत दी है अपने आप को प्योरीफाई करने की, लेकिन देयर इज द हद ऑफ एवरीथिंग, देयर इज द लिमिट ऑफ एवरीथिंग. सो यू कैन नॉट डू, आप एक
एक एक बच्चे को पकड़ के दो तीन थप्पड़ मारे छोड़ दे वो ठीक हो जाएगा, लेकिन इफ यू आर कॉन्स्टेंटली बीटिंग हिम अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन वंस इन अ व्हाइल उसको कोई ना कोई बीमारी हो सकती है, वो थक सकता है, मतलब एनीथिंग कुड बी हैपन, सो देयर इज द लिमिट ऑफ एवरीथिंग, सो यू वी नीड टू थिंक अबाउट दैट कि जैसे हम अपने सराउंड में हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, हम अपने लेवल पे इतना तो कर सकते हैं कि हम वाटर यूसेज जो है उसको संभाल के करें, अपने टैप्स को बंद रखें राइट ड्यूरिंग ड्यूरिंग इफ यू आर वॉशिंग आवर हैंड्स इफ यू आर डूइंग एंड जहाँ तक पॉसिबल हो सकता है हम पानी को बचाएं, पानी को बे इंतहा तौर पर इस्तेमाल करके इस तरीके से ना उसको जो है वो अपने रिसोर्सेज को खराब करें, और फिर मेकिंग द लिटर इन टू द वाटर बॉडीज यू कैन सी दिस इज द डिजास्ट्रस थिंग विच इज हैपनिंग एंड जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि प्लास्टिक इंडस्ट्रीज जो है उनको भी बैन किया गया, बट नाउ बिकॉज दे हैव डिस्ट्रॉयड ऑलमोस्ट एवरी बीच इन द पाकिस्तान एंड इन मेनी अदर कंट्रीज, और एक बहुत ही बात जो मुझे भी काफी जो है वो बुरी लगती है कि डेवलप्ड कंट्रीज आर वेरी नोटोरियस फॉर प्रोड्यूसिंग एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वेस्ट गार्बेज एंड डंपिंग देयर वेस्ट in the ocean and in the underdeveloped countries. So वो उस अपने waste को कुछ पैसों के साथ उन developing countries जो है वो उनको दे देते हैं ताकि वो जो है वो dump करें. ठीक है. This is again very bad thing which is happening. So this is again a crisis. This is again a global crisis of water disposal. Nuclear waste disposal has tremendous health hazard associated with it. Plastic, fast food, packaging, and cheap electronic waste threaten the well-being of humans. Beautiful lines. Okay, agar hum. So this is very very urgent and current environmental situation. We need to control. We need to make some laws. We need to implement those laws to make our world, to make our water bodies clearer for our for the sake of us and for our future generations. So this is the actual problem. Now come up to the climate change. What is climate change? Climate change again is the linking of all these problems which is going to be handled by this earth and environment today. आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, कि इसकी भी एक रीजन है कि वही बात कि इमिशंस हो रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा आपके एटमॉस्फेयर में मौजूद है, इसकी वजह से जो है वो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट आ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर्स हाई हो रहे हैं, और जब टेम्परेचर्स हाई हो रहे हैं सो देयर इज लेस वल्नरेबिलिटी फॉर द नेचुरल रिसोर्सेज, और आहिस्ते आहिस्ते सभी का इकोसिस्टम जो है वो इसकी वजह से जो है वो होना शुरू हो गया है. कभी आप देखते हैं कि देयर इज एक्सट्रीम टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर्स ऑन द बोथ साइड, ठीक है ना, यानी कि या तो सर्दी है तो बहुत ज्यादा सर्दी और गर्मी है तो बहुत ज्यादा गर्मी. दिस इज द एक्सट्रीम ऑफ द टेम्परेचर. अभी हरिकेन्स का आना, बहुत सारे तूफानों का आना, स्टॉर्म्स का आना, फ्लड्स का आना, दिस इज ऑल द इंडिकेशंस ऑफ द क्लाइमेट चेंज व्हिच इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड सिंस अ लॉन्ग टाइम. सो If you're talking about the climate change, ये भी हम तकरीबन couple of decades से last जो है वो this environment is being facing, और due to increased temperature जो अभी हमने बात की वही बात के जितनी ज्यादा हम fossil fuel को burn करेंगे उतनी harmful gases जो है वो आपके atmosphere में आएंगी, and they will create a difficult situation for the environment to sustain. So you can see that there is the melting of the polar ice, changing in the season, and occurrence of new diseases, which is very, very much important. There are so many researches available. They are linking up the occurrence of the new diseases with the environment, and you can see if you do the Google and if you search around, you will see so many diseases which are occurring due to the climate change and frequent occurrence of flood. एंड अभी हमने ये तमाम बात की कि वेदर के अंदर जो तमाम ओवरऑल सिनेरियो में आपको चेंजेस नजर आते हैं, ये सब क्लाइमेट चेंजेस जो हैं दीज आर ऑल लिंक्ड अप विद द इंबैलेंस ऑफ योर इकोसिस्टम. हैव एनी वन ऑफ यू हैव एनी आइडिया अबाउट बायोडाइवर्सिटी? व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी?
थोड़ा सा आइडिया। जस्ट एनी आइडिया। I think no idea. So we will talk about now we can talk about it कि ये क्या चीज है, ठीक है ना। वराइटी ऑफ स्पीशीज, हाँ कुछ हद तक आपने ठीक कहा। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी एक पिक्चर। दिस इज द बायोडाइवर्सिटी वेब। यू मस्ट हैव रेड अबाउट कि हमारी जिंदगियों में या हमारी इकोसिस्टम में, हमारी एनवायरनमेंट में देयर इज अ फूड वेब, ठीक है। एक फूड वेब हम पढ़ते होते थे क्लास 5 की, अगर मैं बात करूँ तो फूड वेब की एनवायरनमेंट से कनेक्शन आप चेक करें जरा। सो देयर इज द एवरी एनिमल इज द फूड ऑफ समवन एंड इट इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय दिस इकोसिस्टम। अगर आप देखें तो यहाँ पे किसी भी लेवल से यू कैन स्टार्ट कि अगर सन है तो उससे एनर्जी मिल रही है उस प्लांट को, वो बड़ा हो रहा है, ठीक है, वो पॉलिनेट कर रहा है तो अदर प्लांट बन रहा है। अगर वो पॉलिनेट नहीं करेगा तो ये चीज रुक जाएगी बीच में। और फिर अगर जो हमारे छोटे छोटे परिंदे हैं वो एक दूसरे का जो है वो फूड हुआ करते हैं, और उनमें से अगर कोई बहुत सारे जो है वो स्पीशीज कम हो जाएंगे और ये वैरायटी ऑफ स्पीशीज जो है वो आपकी कम हो जाएंगी, सो देयर विल बी द इंटरकनेक्शन, देयर विल बी द लॉस ऑफ दैट इंटरकनेक्शन बिटवीन दिस फूड वेब, फूड चेन, ठीक है। आप इस तस्वीर को बगौर देखें बिकॉज दिस इज वेरी मच इंटरेस्टिंग। आपको पुरानी अपनी साइंस की किताबों की याद आएगी इसके साथ कि आपने उसमें इस तरीके से देखा हुआ, ठीक है ना। So this is when you see कि अगर आपके पास जब ये चीजें होती हैं, rotten leaves जो है वो पड़ते हैं जमीन के ऊपर, उससे जो है वो दोबारा वो dumping up हो जाते हैं और फिर उससे जो है वो soil fertile हो जाती है, फिर दूसरी चीजें बनने का process बनता है, ठीक है ना। So ये सब चीजें जो है this is very much important कि वो एक दूसरे का खाना बनती है और एक दूसरे से connection आती है और आपकी diversity। And if you think that you are losing your natural resources, you are depleting with your forest, ठीक है ना, आप forest को खत्म कर रहे हो, आप अपने उड़ते चरंदे परिंदे जो है इनको खत्म कर रहे हो। देयर आर इवन अ लिटिल इंसेक्ट इन दिस एनवायरनमेंट, दिस इज मच ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस बिकॉज़ कहीं ना कहीं आपके फूड वेब्स के साथ, आपकी डाइवर्सिटी चेन्स के साथ जो है वो इंटरकनेक्टेड है। तो अगर उसके अंदर ये चीजें नहीं होती हैं तो आप यू कैन सी एंड यू कैन इम्पॉर्टेंटली सी दैट के उसका जो एक इकोसिस्टम की डेवलपमेंट है और उसकी जो एक चेन है वो ब्रेक हो सकती है। तो यू कैन सी अ बिट ऑफ इस लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की वजह से आप बहुत सारा कुछ देख सकते हो जो यहाँ हो रहा है कि खाली खाली आपको फॉरेस्ट नजर आ रहा है, टूटा फूटा फॉरेस्ट नजर आ रहा है जिसके अंदर से बहुत ज्यादा चीज की कटिंग हो रही है, लैंड काटी जा रही है। इसकी भी मेन रीजन है, दे मोस्ट हाउसिंग स्पेल जिसे आप कहते हैं ना कि वो बढ़ाने के लिए लैंड, दे वॉन्ट टू यूज मोर लैंड फॉर दी for the development of you can say that ये उसकी जो रेजिडेंशियल एरियाज बनाने के लिए या फिर अपनी ह्यूमनली एक्टिविटीज के लिए दे नीड मोर लैंड, दे आर डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट एंड दे आर डिस्ट्रॉइंग द नेचुरल रिसोर्स कनेक्शंस विद द एवरी स्पीशी टुगेदर। सो दिस इज द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और एक्सटिंक्शन ऑफ दी स्पीशीज हो रही है, यानी कि खत्म से होते जा रहे हैं, उनकी हैबिटेट भी जो है वो आप तोड़ रहे हो, उनको भी मार रहे हो, उनके रहने सहने की जो जगहें हैं, ठीक है ना, तो वो भी यहाँ पे उनको नहीं मिल रही है, इन विच दे कैन सर्वाइव। सो दिस इज द डिफिकल्ट सिचुएशन विच वी आर हैंडलिंग नाउडेज। सो इकोसिस्टम इज डेफिनेटली विच टुक मिलियंस ऑफ ईयर टू बी परफेक्ट आर इन डेंजर विद एनी स्पीशीज पॉपुलेशन इन द डिसिमिनेटेड बैलेंस ऑफ नेचुरल प्रोसेसेस लाइक पॉल
pollination is crucial for the survival of the ecosystem, and human activity threatens the same, obviously. And another example is the destruction of coral reefs in the various oceans, which support the rich marine life, obviously. Aap kisi bhi cheez ko disturb kar rahe ho, you need to think about it. So this is really much important. So now see that another thing which we have taken around, जिसमें आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन. अभी हमने बात की कि डिफॉरेस्टेशन इज अनदर अ बिग इशू, जिसके अंदर आप यू कैन सी दैट अराउंड कि व्हाट यू कैन सी दैट ओवर देयर द मेन इम्पोर्टेंट थिंग इज अगेन यू आर डिस्ट्रॉइंग द फॉरेस्ट, यू आर मेकिंग लैंड्स बैरन, ठीक है. Or you are using that land for the residential purpose, for any other purposes, whatever they are thinking about. So deforestation, our forests are the natural sinks of the carbon dioxide, and they produce what? And they are producing what? Aap ye dekh sakte ho. आप ये देख सकते हैं फॉरेस्ट आर दी एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग एट प्रेजेंट. अगर हम देखें तो हमें इम्पोर्टेंट चीज यही है कि आपके टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए प्रोडक्शन ऑफ द फ्रेश ऑक्सीजन एज वेल एज द रेन, इन तमाम चीजों के लिए फॉरेस्ट का होना काफी जरूरी है. एंड दैट इज सिंपली क्लियरिंग ऑफ द ग्रीन कवर एंड मेकिंग दैट लैंड अवेलेबल फॉर रेजिडेंशियल एंड इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल पर्पजेस. एग्जैक्टली. So this is the main important thing which you can do that. So we are coming up to the ocean acidification. Oh, ये एक इस तरह का फिनोमेना है जिसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर दे आर कमिंग टूगेदर एंड देर आर द कार्बोनेट आइंस, देर आर द कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर दे आर कंबाइनिंग टूगेदर. और आपके पास रिजल्टेंट पे व्हाट यू आर सीइंग दैट यहाँ पे बायोकार्बोनेट आइंस बन रहे. एंड वट इज द डिस्टर्बेंस ऑफ दिस आइन, you can see that the consumption of these carbon ions impedes calcification. What does it mean? What happens ki jo fishes maujood hain is marine life ke andar, unko bhi apni life ko badhane ke liye, apni growth ke liye, they need everything. Jaise ek chote se bacche ko har cheez ki zarurat hoti hai khana khane ke liye, khana milega, nutrients milengi to bada hoga obviously. To agar wo is tarike se bada nahi hoga और वो नहीं चाहेगा कि वो उसको आप, फॉर एग्जाम्पल इफ द चाइल्ड इज ग्रोइंग इन दैट सर्कमस्टेंसेस जहाँ उसको विटामिन डी जो है वो नहीं मिल रहा, तो उसके साथ जो प्रॉब्लम्स दे विल अराइज, दे विल बी शॉर्टन इन द स्टैचर, देयर विल बी द मस्टर, डेफिनेटली देयर मस्ट बी सम प्रॉब्लम विद हिज स्केलेटन. तो इसी तरह व्हाट हैपेंस विद द स्केलेटन ऑफ द फिश इज दे इंपीड्स द कैल्सिफिकेशन बिकॉज ऑफ दिस कार्बन आयंस. अब वो कार्बन आयंस वाटर के अंदर हैं, दे आर मस्ट इनहेलिंग, दे मस्ट टेकिंग यूज फॉर इट रेस्पिरेशन, अपनी न्यूट्रिएंट्स भी वहीं से ले रहे हैं, ठीक है ना. सो वहां पे से जब उनके बॉडी में देयर विल बी सो मच कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन कार्बोनेट आयंस, सो देयर विल बी नो कैल्सिफिकेशन, देयर स्केलेटन विल बी इम्पीडेड वंस, ठीक है ना. उनकी जो कैल्सिफिकेशन होगी उनके स्केलेटन की वो नहीं होगी. सो दिस इज कॉल्ड द एसिडिफिकेशन ऑफ द ओशन. ओके. So it is the direct impact of the excessive production of carbon dioxide. 25% of the carbon dioxide produced by the human, the ocean acidity has increased by the last 250 years, but up by 2100 it may shoot up by 150%. ठीक है ना. तो उन्होंने कहा कि अगर आप देखते हैं कि एक सदी से और गुजरने के बाद जो है उसमें आप 150% तक का एनहांस आपको नजर आ रहा है. The main impact is that on the shellfish and planktons in the same. हमने बात की उस चीज के ऊपर
क्योंकि द इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज दैट कि मेन इम्पैक्ट यही था कि जैसे जैसे हम लोगों ने ये चीज़ को नोटिफाई किया कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो मरीन वाटर में बढ़ रही है, ओशन वाटर में बढ़ रही है, और उसकी वजह से जो शेलफिश और प्लैंकटन्स हैं उसी तरीके से ऑस्टियोपोरोसिस का शिकार हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे ह्यूमंस में, राइट? So for the coming next week, look at the ozone layer. So what is actually ozone layer? That is the surround of the protective layer around the earth. जिसके अंदर आपको नजर आ रहा है, there is a troposphere, then there is a ozone layer and a stratosphere. इनके तमाम troposphere और stratosphere के दरमियान में आपको white color की ozone layer नजर आ रही है. And what happens actually? यहाँ पे आप देखिए, एक protective layer. जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो गुड है, विच इज व्हाइट इन कलर, ठीक है? ये आपकी ओजोन की प्रोटेक्टिव लेयर है. हम ये नहीं कह रहे कि वो लेयर भी खराब है, हम ये बताना चाह रहे हैं कि जो इमिशंस अर्थ से हो रही है, ग्रीन पोर्शन से हो रही है, वो एक ओजोन के अंदर अर्थ के सराउंड में एक ग्रीन हाउस इफेक्ट बना रही है. एक पूरा एक ट्रोपोस्फेयर के अंदर आप नजर आएगा आपको एक वहां पे आपको बैड का वर्ड उन्होंने यूज किया है, तो बैड लेयर वहां पे बन रही है. That is actually because of that stratosphere. Because of that emission of those greenhouse gases. ठीक है? तो आप देखने बिल्कुल सडन अर्थ के ऊपर जो है वो एक ओजोन लेयर आपको इस तरीके से ये नजर आ रहा है, लेकिन जो आपको गुड प्रोटेक्टिव लेयर है, जो कि एक आपकी नेचुरल प्रोटेक्टिव लेयर है, वो उसके ऊपर. अभी आपने जैसे जैसे देख रहे हैं, अब यहाँ आपको अर्थ से यहाँ CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, HCFCs, ये सब चीजें जो हार्मफुल किस्म के वेपर्स हैं, इफ दे स्टार्टेड कमिंग आउट फ्रॉम द यू कैन सी कि वो निकल रहे हैं वर्ल्ड के अंदर से, और फिर वो आहिस्ते आहिस्ते ट्रोपोस्फीयर की तरफ जा रहे हैं, और वो ओजोन लेयर को जो है वो वहां से उसको खराब करते हुए दे आर गोइंग अप. तो जैसे जैसे देर विल बी द बिगर होल्स इन द ओजोन लेयर, द सोलर रेडिएशंस विल कम डायरेक्टली टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. ठीक है? तो ये सोलर रेडिएशन से बचाने के लिए, उनकी यूवी जो रेडिएशन है उनसे बचाने के लिए ये चीजें डेवलप की गई हैं, और बाय द नेचर. लेकिन उनको जो है वो इस तरीके से फिर प्रॉब्लम किया जा रहा है, जो ये ह्यूमन एक्टिविटीज के नतीजे में होता है. तो यही ओजोन लेयर की जो डिप्लीशन है आप देख सकते हो, प्रोटेक्शन जो है वो अर्थ की वो खत्म हो रही है, ठीक है? और हम एक्सपोज हो रहे हैं टुवर्ड्स द सन और उसकी हार्मफुल रेज की वजह से. एंड इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का नाम याद रखिए हमेशा, कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर द मेन प्रॉब्लम फॉर दिस थिंग. एंड टॉक्सिक गैसेस जो कि एटमॉस्फेयर में आ रही हैं वो भी इसी में बहुत बड़ा रोल जो है वो प्ले कर रही हैं, और ये तमाम जो है वो इश्यूज आप इसको इन ही डिफिकल्ट चीज़ों की वजह से डेवलप हो रही है. तो आपने देख लिया कि कॉसेस क्या हैं आपके ओजोन डिप्लीशन के, ये अभी हमने डिस्कस कर ही हैं कि डिफॉरेस्ट्रेशन है, CFCs हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, रेडिएशन, ये जो आपकी ऑयल पेट्रोल इंजन की जो इमिशंस हैं, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है? और ये तमाम आपने रेडिएट तो कर दी, फॉसिल फ्यूल जला के तमाम फ्यूम्स ऊपर तो भेज दिए, लेकिन ये जो क्या हो रहा है कि आप इसको एब्जॉर्ब कर रही हैं वही ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, और फिर वो एज ऑफ द एटमॉस्फेयर के ऊपर एक पूरा ग्रीन हाउस इफेक्ट बना रही है. तो कुछ जो है वो स्केप होके ऊपर चली जाएंगी, जब ये ग्रीन हाउस या आपका ओजोन लेयर जो है वो प्रोटेक्टिव वन उसमें ब्रेक आएगा, तो जाहिर सी बात है फिर कि सन की जो यूवी रेडिएशन है वो डायरेक्टली आपके अर्थ के ऊपर पड़ना शुरू हो जाएंगे. तो ये आप देख लें कि मेन हेल्थ के कंसर्न क्या हो सकते हैं. तो आपको नजर आएगा देयर विल बी द डैमेजेस ऑफ आई, डैमेजेस कॉर्निया, रेटिना, लेंस में भी डैमेज, सिवियर केसेस में कैटरैक्ट भी हो सकता है. इसके अलावा स्किन कैंसर इज द मेन प्रॉब्लम विच कैन हैपन. And there is the increased chances of having skin cancers, right? So this is the main problem which we can see around the vegetations. में अगर आप बात करें तो photosynthesis को खराब कर रहा है, और इसका मतलब ये है कि जाहिर है, और अगर वो photosynthesis plants में नहीं होगा तो आप सोच रहे हैं कि फिर उनको food नहीं मिलेगा, they will die. Global warming भी again. There is the large amount of UV radiations that can kill plankton found in the ocean as well, जो कि ज़्यादा ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को absorb करेंगे, और फिर बहुत ज़्यादा global warming का जो effect है वो बढ़ जाएगा.
फिर अदर इफेक्ट्स में यू सी दैट प्लेसेस स्ट्रेस ऑन मरीन इकोसिस्टम, रिड्यूस स्ट्रेंथ ऑफ वुड एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो ये भी सारी चीजें जो आपको मसले के तो कॉन्सिक्वेंसेस में यही बातें याद रखें कि ह्यूमन हेल्थ, स्किन कैंसर, कैटराक्ट्स और आई डैमेजेस जो आपको नजर आते हैं, एक्जिमा इवन, और स्किन एलिमेंट्स यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, वो हो रहे हैं, मरीन लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो रही है, डिस्ट्रैक्ट हो रही है. तो ये सब सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? सॉल्यूशंस ऑफ ओजोन डिप्लीशन वुड बी, देन यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन एंड मेक इट अ बेटर प्लेस टू लिव. क्या क्या कर सकते हैं आप? आप कर सकते हैं कि डिफॉरेस्टेट ना करें अपनी वर्ल्ड को, प्लास्टिक जो है वो कम से कम इस्तेमाल करें, ये रीयूज करें, रिसाइकल करें, वो थ्रो इट इनटू द लार्जर बॉडीज, द ओशन बॉडीज, ट्रीज प्लांट करें, सोलर एनर्जी का इस्तेमाल स्टार्ट करें. सो दिस इज द मेन इम्पॉर्टेंट द फाइव फैक्टर्स ऑन विच यू कैन वर्क एंड यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द ओशन डिप्लीशन. तो ये गवर्नमेंटल लेवल पे भी होना जरूरी है, आपके ओन आपका कॉन्ट्रीब्यूशन होना भी बहुत जरूरी है. So you can see there is another factor which can happen, that is acid rain. Acid rain bhi isi tarah hi ho rahi hoti hai ki nitrogen dioxide or sulfur dioxide jab ye industries ke andar se burnout hokar upar nikalte hain, and then when they combine with the water vapors in the clouds aur wo jab wapas rain ban ke niche aate hain, they come down as nitric acid and sulfuric acid, and which can obviously kill the trees by this lethal combinations. So see that what is happening in this picture, forest ke upar ek bura effect aayega acid rain ka, aapki aquatic life ke upar ek difficult aur bura time aayega. Materials kehte hain ki buildings aur uske upar jo monuments aapke paas jo purane bane hue monuments hai, wo bhi isse effect se bahut zyada destroy ho rahe hain. Visibility obviously haze ek develop ho jata hai jab ye एसिड रेन होती है. तो ये तमाम इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन है और ये डैमेज कर रहे हैं, और डेफिनेटली देयर आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद दिस टू द ह्यूमन हेल्थ, टू द वाइल्ड लाइफ एंड टू द एक्वाटिक स्पीशीज, राइट. एंड द मेन कल्प्रिट ऑफ व्हाट ऑफ दिस एसिड रेन इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड. Now see the water pollution. We have discussed about more and more about these all these pollutions, the water, the litter, the garbage, and all the things around in the water bodies and spilling out of the industrial waste into the rivers, into the sea. This is the main important provoking factor of the water pollution. So now, आप ये देखें कि after doing all this rubbish. We have done with this world, so we are clean. The drinking water is becoming a rare commodity. ये अब एक luxury बनता जा रहा है. बहुत सारी population ऐसी है जिसको clean drinking water available नहीं है. So water जो है वो human fights के लिए जो है वो भी एक resource depletion में जा रहा है, और इस चीज के लिए हमें बहुत important है कि we need to make our own part, as well as our governments, as well as our legal things should be taken in place as soon as we are going in the scarcity of the drinking water. Even another factor which is urban sprawl bhi ek aisa hi factor hai जिसमें तमाम पुअरली प्लान है, लो डेंसिटी होती है, ऑटोमेटिकली जो है ना लोग डेवलप करते हैं और क्या करते हैं कि अपने आप को अर्बन जो हाई सिटी डेंस पॉपुलेटेड एरियाज है उससे दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स द रूरल साइड्स, और वहां पे भी जाते जाते दे टुक अ लॉट ऑफ थिंग्स विद देम विच आर वर्किंग इन विच वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर देम इन द रेजिडेंशियल एरियाज. तो वो वहां पे भी एक अर्बन हालात नजर आते हैं. इस पिक्चर में देखिए आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि दूर दूर यहाँ पे बने हुए हैं लेकिन अर्बन स्प्रेड हो रही है, कि जब एक खुले डुले एरियाज थे, रूरल एरियाज थे, ये उनको भी अर्बन स्प्रॉल के अंदर लेके आ रहे हैं कि शहरी इलाकों में उसको हाफ एंड हाफ कनेक्ट करने में, क्योंकि दे आर मूविंग टूवर्ड्स टू फाइंड आउट गुड लाइफ ओवर देयर. तो आप देख सकते हैं कि दिस रेफर्स टू द migration of the population from high density urban areas to low density rural areas.
which results in spreading of cities more and more rural land. तो आपकी जो rural land थी, जो गांव की जमीन थी, जो थोड़ी खुले खुले areas थे जहाँ ecosystem फिर भी कदरे हद तक आपके control में था, तो ये urban sprawl की वजह से वो भी degrade होता चला जा रहा है. So this is again, or this is the another example of the overpopulation, highly pollution of the cities, right? So these are the public health issues जो pollution की वजह से आपको हो सकते हैं. आप देख सकते हैं air pollution की वजह से जो है होने वाली, को हमने कल भी discuss किए थे, headache, fatigue वगैरह ये सब चीजें हो सकती हैं, और even cardiorespiratory illnesses हैं, gastrointestinal diseases हैं, cancer risk भी enhance होता है water pollution से, जो है वो bacteria, parasitic और chemical borne diseases हो सकती हैं, soil contamination जिसमें pesticides involved हैं, वो आपको GIT problems में और इसके इरिटेशन तो इसी तरह हम देखें कि बहुत सारे इफेक्ट जो है वो आ रहे हैं. तो ये हमने ओवरऑल देखा कि ह्यूमन हेल्थ के ऊपर आप देखें. अब हम इसको समअप करते हैं अपने लेक्चर को कि यहाँ पे राइजिंग टेम्परेचर के साथ साथ वेदर एक्सट्रीम हमने देख लिया, राइजिंग सी लेवल्स हमने देख लिया, इंक्रीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, इन तमाम चीजों से होने वाले चेंजेस भी आप यहाँ पे देख रहे हो, जिसमें सिवियर वेदर है, एक्सट्रीम हीट है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, वाटर एंड फूड की सप्लाई इम्पैक्ट है, ठीक है, वाटर क्वालिटी इम्पैक्ट है, इंक्रीजिंग एलर्जेंस हैं, चेंजेस इन बैक्टीरियल इकोलॉजी है, ठीक है, एयर पोल्यूशन. मैं चाहूंगी आप इस पिक्चर की एक स्नैप अपने पास जरूर रखें, जिसके अंदर से आपको नजर आए कि आप सिवियर वेदर की वजह से क्या क्या हो सकता है, एक्सट्रीम हीट की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं. तो ये एक सम अप स्लाइड है, क्योंकि आपको क्लाइमेट चेंज जो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर हो रहा है, वो तमाम तर चीजें एक साथ आपको देखने को मिल रही है. सो पब्लिक हेल्थ इश्यूज भी बढ़ रहे हैं, जैसे डर्टी वाटर की वजह से आपको पता है बहुत सारे हमारे साथ प्रॉब्लम आ रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे हमने डर्टी वाटर की वजह से जो है वो वाटर बॉर्न डिजीजेस हो रही हैं, टॉक्सिन केमिकल्स ये सब डिजीजेस कर रहे हैं, पॉल्यूटेंट्स रेस्पिरेटरी डिजीजेस बढ़ रहे हैं, और हाई टेम्परेचर से देयर इज स्प्रेड ऑफ सो मेनी इंफेक्शियस डिजीजेस, राइट. So genetic factoring, genetic engineering, another the last thing which are going to be discussed over here. तो यहाँ पे हमने देखेंगे कि genetic engineering भी हो रही है. You can see a very much इसमें आपने genetic component को change करके discovering and you are making some new things. This is again safer at some level, but इतनी modification उसको हम जैसे कहते हैं कि biotechnology को आप use करके genetic engineering कर रहे हो, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि food तो आप नया से नया design कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर टॉक्सिन्स की जो मैयार है वो उसे बढ़ा रहे हो, तो डिजीजेस बढ़ा रहे हो, क्योंकि आपने उसके साथ जितनी आप नेचर के साथ जो है वो खेल करेंगे, आई थिंक बिकॉज द नेचुरल साइंसेज आर गोइंग टूवर्ड्स मेकिंग योर आइडिया दैट यू शुड नॉट प्ले विद द नेचर एंड ट्राई टू बी एज क्लोज विद द नेचर as original, as organic, as it is required, right? So what we can do at our own level, hum apni is वर्ल्ड को बचाने के लिए हम बहुत सा कुछ कर सकते हैं, जिसमें हम रिसाइकल, रीयूज और इस अर्थ को हम बचा सकते हैं, ठीक है. रिसाइकलिंग करेंगे हम एक लो कंजप्शन इलेक्ट्रिसिटी वाले बल्ब को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ड्राइव लेस कर सकते हैं, हम रिड्यूस रिसाइकल एंड रीयूज को यूज कर सकते हैं, हम चेक योर टायर्स का मतलब ये होता है कि वंस इट इज योर टायर इज गुड गुड इन इन्फ्लेशन ऑफ द एयर, तो वो कम जो है वो फ्यूल को इस्तेमाल करता है, और आपकी गाड़ी जो है वो कम कार्बन डाइऑक्साइड इमिट आउट करती है, तो आप कम इस्तेमाल करें हॉट वाटर, ठीक है जी. तो उससे आप इन द बैक हैंड यू आर सेविंग द एनर्जी, तो अवॉइड प्रोडक्ट्स करें जिसमें लॉट ऑफ पैकेजिंग हो, जिसकी वजह से आप जो है सॉलिड वेस्ट जो है उसे कम से कम कर रहे होंगे. थर्मोस्टैट को आप नॉर्मल रखें, ना बहुत डीप, ना बहुत इसको ज्यादा कोल्डर पे रखें, ना ही बहुत ज्यादा उसको वार्मर पे रखें इन द एक्सट्रीम कंडीशंस, तो मेक इट ऑन द मिडल साइड ऑफ द जो कि हमारे प्योरेबल टेम्परेचर होते हैं,
और यूज इट फॉर द लॉन्ग टाइम एज वेल. एंड आप ट्री प्लांट कीजिए, आप इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो हैं जो इस्तेमाल में नहीं होने उन्हें कीजिए. और स्टील फॉर्म का मतलब है कि जनाब आप अपने आप को जो है वो अवेयर रखिए और जानिए कि क्या हो रहा है. अवेयरनेस के लेवल आपने बहुत ज्यादा हाई रखने हैं अपने भी और दूसरों के भी. एट योर लेवल, एट गवर्नमेंटल लेवल, दैट यू कैन प्रोटेक्ट योर whatever the condition is, you need for change in your daily lives, and you need to rise your awareness. And these are the multiple researches available. जैसे मैंने बात की थी कि कोरोना से related the climate impact on coronavirus in the world, climate change and diseases dynamics, a big data perspective, emergence of new viruses in Asia is climate change. तो ये इन सब तमाम चीजों की connections जो हैं इससे बहुत ज़्यादा आपको researches देखने को मिलेंगे if you are checking around the internet. So this is thank you for my side. I'm really happy to have a session with all of you. मुझे आपके comments और आपके opinions चाहिए होंगे. Any questions? Please, you guys are most welcome. And so it's and you if you found any problem, then you can ask me, you can email me. In fact, this is my email address. If you have any query, that you can email so we can talk there. Otherwise, thank you so much for being there. And please provide me and please give me your feedback about the lectures and about the topic coverance and anything, whatever you like and whatever you want to comment. So it's a goodbye from my side. I'm still waiting for your questions.